महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने से बीजेपी और शिवसेना के बीच लगातार विवाद बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने का श्रेय जहां बीजेपी अपने सर ले रही है, तो वहीं शिवसेना का कहना है कि मंदिर खोलने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार का है और उसने किसी के दबाव में आकर यह फैसला नहीं लिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए इस मामले पर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है, महाराष्ट्र में बीजेपी का सिर घूम गया है क्या। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी ने आंदोलन किया इसलिए भगवान के दरवाजे खोले गए जैसी बातें करना मतलब बची खुची अक्ल को भी गिरवी रखने जैसा है, जिसका बीजेपी या हिंदुत्व की विचारधारा से जरा सा भी संबंध नहीं है। ऐसे लोग सत्ता के लिए बीजेपी में घुसे, बाहरी लोग हिंदुत्व पर बोलें और सलाह दें, इसे एक मजाक ही कहा जाएगा। शिवसेना ने सामना में आगे लिखा कि किसी एक बोगस आचार्य को आगे करके मंदिरों के ताले खोलने के लिए आंदोलन किया गया, कौन है वो आचार्य, लेकिन बीजेपी को मुफ्त में नाचने के लिए लोग मिलते हैं। किराए से लाकर महाराष्ट्र सरकार के नाम पर बवाल करना उनके खाली वक्त का धंधा बन चुका है। बीजेपी के बाहरी और नचनिया हिंदुत्ववादियों के जरिए मंदिर खोलने का आंदोलन करना था तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने करना चाहिए था, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र के ही कोरोना संबंधी निर्देशों का पालन कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।